سميرة، يس أميرة تل مي، ماذا بي رشيتا، هاو واز يور اكزامز؟ They were good, sir. Any? I didn't get any marks yet, sir. अच्छा बट ठीक ठाक गया सारा? Yes, sir. अमीरा आपने लास्ट क्लास कौन सी की थी हमारे साथ? सर थर्सडे को. थर्सडे को? ओह सर हम भूल ही गए थे, आपने एक ही क्लास की ना? ठीक 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 याद आ गया, सॉरी हम भूल गए, हम भूल गए थे, अभी याद आ गया मैं जी. आप ट्रायल के लिए आए थे लेकिन फिर आपने एक्सटेंड कर लिया था ना, बिकॉज आपको चीजें समझ में आ रही थी, राइट? यस सर. ठीक है. होमवर्क वगैरह मिला आपको? आपने टेस्ट दिया था, असेसमेंट? यस सर दिया था आपने. ठीक है, तो यानी अकाउंट वगैरह आपने बना लिया. आपको होमवर्क मिला था? नहीं सर. होमवर्क नहीं मिला आपको? ठीक है, होमवर्क भी दिलवा दिया जाएगा. चलिए, आई थिंक आई विल वेट एनी मोर. आगे बढ़ते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी सेकेंड चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है रिशिता, तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा, पता नहीं. ओके, तो आपको रिकॉर्डिंग से काम चलाना पड़ेगा फॉर अ वाइल. फिर आपकी जब गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर इंशाल्लाह हम फर्स्ट चैप्टर का एक बार रिकैप जरूर करवाएंगे, तो उसमें यू कैन रिवाइज. ठीक है सर, क्या लाइक कितने पेजेस लीव करने हैं? कितने पेजेस लीव करने हैं? लास्ट क्लास कौन सी थी? वो लास्ट टू लास्ट वीक, आई थिंक इट वाज ऑन संडे. लास्ट टू लास्ट वीक संडे को कहां कोई हमारी होती है क्लास? हमारी क्लास होती है ट्यूसडे और थर्सडे. टॉपिक बताइए आप, टॉपिक. सो वन सेकंड. सर द क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस कर रहे थे, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंडर. कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन? यस सर. मेरी कॉपी खोला हुआ आपने, कि आप कॉपी खोल ली? सर आपका ही एम्पिरिकल फॉर्मूला है कैलकुलेट करना है या परसेंटेज कंपोजिशन क्या कैलकुलेट करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ना, ये सारे सवाल हैं. सर आई थिंक इट वाज आफ्टर दैट. आफ्टर दिस ये है, इफ मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 88 फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नहीं है सर. इसी व्हाट इज द लास्ट, ये यही सवाल है ना आखिरी. अ मॉलिक्यूल कंटेन्स Last question was, calculate the percentage composition of CuSO4.5H2O. Oh, homework kiya hoga aapne wo. Oh. Homework hoga wo aapka. Yes, sir. Utna hi likha tha. Itna hi likha na? Ye last sawal hai na class ka. A molecule contains 54.2% of carbon. 9.2% of hydrogen, 36.6%. ये है ना? ठीक है, तो अब उसके बाद हुए हैं दो और क्लासेस, एक हुआ स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के ऊपर. आपने खुद से किया ये फिर स्कूल के एग्जाम के लिए? सर पूरा नहीं था, सिर्फ लाइक द लास्ट एंडिंग वाज देयर. क्या मतलब हम इसके क्या समझे, पूरा नहीं था एंडिंग तक का? इन द फर्स्ट
the first chapter, the whole chapter was not there. It started with the molar masses, like the molar morality and molality. Stoichiometric calculation nahi tha? No, not a lot of that, sir. Achha. Then last class jo thi hamari, and this was last class. Uske jo last class ki, usme we did some practice questions. थोड़े से जो टफ सवाल सब थे लंबे लंबे वाले ठीक है उनको किया था हम और उसके बाद फिर हम लोगों ने वी डिड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस ठीक है एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ठीक है सो कितना पेज छोड़ना है आपका जो सवाल था वो तो रह ही गया तो कितना पेज हम कैसे बताएं बताइए आपको कोई बात नहीं सर लीव अ फ्यू पेजेस है ना और यहाँ पे सिर्फ अमीरा है अमीरा अमीरा आप लास्ट क्लास में थी ना लास्ट क्लास का बता दीजिए कितना पेजेस है सर दो पेज हो गए टू पेजेस और टू शीट्स टू शीट्स सो आप पांच शीट आप छोड़ दीजिए फिर ठीक है रिश्ता यस ठीक है लीव फाइव शीट टॉपिक पहले तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाकी बच्चे कहां चले गए आधे आधे टाइम में बच्चे आएंगे तो कहां से समझ में आएगा फिर उन लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम यू कैन डिवाइड स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन टू डिफरेंट कैटेगरीज द कैटेगरीज बोल रहे टू डिफरेंट सेक्शंस एक सेक्शन है जो कि कंप्लीटली डील करता है हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ठीक है हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन दिस हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहता है वी हैव टू लर्न अबाउट दी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ठीक है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट थिंग्स सच एज सम मॉडल्स है एक तो आपका थॉमसन मॉडल है जो पुराने मॉडल्स में से और एक रदरफोर्ड मॉडल है दीज टू मॉडल्स और उनके एक्सपेरिमेंट पढ़ना है After that, we have to learn about Bohr का atomic theory जो है ना उसके आने से पहले we have to learn about waves. वो हम reason बताएंगे कि पहले हम लोग waves के बारे में क्यों पढ़ते हैं waves and its relationship with energy. उसके बाद आती है बात photoelectric effect की photoelectric effect से हम लोग समझेंगे कि Bohr ने किस तरह से अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थ्योरी लिया था सो फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वी आर गोइंग टू कंक्लूड विद बोर्स मॉडल और बोर्स मॉडल के कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस है रेडियस के बारे में एनर्जी के बारे में आयनाइजेशन एनर्जी सेपरेशन एनर्जी इन सब के बारे में वी विल टॉक अबाउट दैट एंड उसके बाद आके विस हियर आके लास्ट क्लास में नहीं थे लेकिन आई थिंक ठीक है बोर्स मॉडल है बोर्स मॉडल के बाद We have to learn about. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdullah Akib. How are you? Yes, sir. Alhamdulillah, sir. How are you? I'm good, Alhamdulillah. You late ho gaye aap? Namaz, sir. Achha, namaz padh rahe the. Okay. Yes, sir. So after Bohr's model, we are going to learn about certain theories such as de Broglie. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग के बाद वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट श्रोडिंगर इक्वेशन श्रोडिंगर के बाद हम लोग आखिरी क्लास जो होगी इन द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इट विल बी अबाउट अच्छा ये एक क्लास की बात नहीं मतलब वी कैन फॉर एग्जाम्पल इसमें एक क्लास लग जाएगा इन दोनों के बीच में एक क्लास इसमें एक क्लास लग जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बोर्स मॉडल विल बी डन इन वन क्लास एंड डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर विल बी डन इन वन क्लास हो गया एक दो तीन चार और एक पांचवी क्लास जो लग जाएंगी दैट विल बी अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा ठीक है इट विल बी अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिस इज कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है दैट डील्स विथ क्वांटम नंबर्स
ठीक है, बट सिंस क्वांटम नंबर इज मोर इम्पॉर्टेंट, हम क्वांटम नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाते हैं, बिकॉज क्वांटम नंबर जैसे आप पढ़िएगा देन यू विल अंडरस्टैंड, फिर आपको हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा अच्छे से आपको समझ में भी आएगा. ओके, क्वांटम नंबर्स हम लोग पहले ऐसे अच्छे से कर लेते हैं, एंड वन ऑफ द रीजन इज दैट क्वांटम नंबर इज गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ऑल्सो द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. फिर उसके बाद क्वांटम नंबर्स विल बी यूज्ड इन मेनी डिफरेंट चैप्टर्स, कहीं कहीं पे आ जाएगा कुछ ना कुछ बहाना लेके, ठीक है. तो क्वांटम नंबर्स बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है. क्वांटम नंबर शुड बी क्लियर, लाइक दिस इज द वन ऑफ द कंसेप्ट दैट शुड बी क्लियर, जो आप समझना चाह रहे हैं 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद. आपने क्वांटम नंबर्स कम से कम सीखा ही सीखा हो, चाहे आप 12th में आने के बाद सब कुछ भूल जाए 11th का, ठीक है. बट ये जो पहला चैप्टर में हम लोगों ने सोशियोमेट्री सीखी है वो आपको आना चाहिए, और दूसरी चीज जो हम लोग सीख रहे हैं क्वांटम नंबर्स इस चैप्टर से, भले ही आप हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर से सब कुछ भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आपको क्वांटम नंबर्स जरूर से आना चाहिए. चलिए, सो वी विल राइट द टॉपिक क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर्स. Whenever you hear the word quantum number or quantum numbers, आपके दिमाग में एक फ्रेज आना चाहिए, address of electron. It tells you about what? Address of electron. Address of electron. Now, यहां पे आप definition लिखिएगा, the set of four quantum numbers, the set of four quantum numbers which gives the status of electron and it gives shape, size and orientation. It gives shape, comma, size and orientation of orbital in which the electron is present. So, कितने क्वांटम नंबर्स हमारे पास? There are four quantum numbers. It will give the status of electron and it will also give you the shape, size and orientation of orbital in which the electron is present. Okay, after this you are going to write. There are four quantum numbers. There are four quantum numbers. What are those? Number one, please write the principal quantum number. Principal mein, principal just as school ka principal. Theek hai? Principal quantum number. It is denoted by small n, aur hum isko kabhi kabhi PQN bhi likh denge. Theek hai? Second, it is denoted by small n. Ye aapko yaad rakhna chahiye. Second is azimuthal quantum number. This is denoted by L and इसको लिख सकते हैं AQN. थर्ड है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी डिनोटेड बाई M और यहां पे इसके लिए लिख सकते हैं MQN. फोर्थ है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, denoted by S और इसको लिख सकते हैं SQN. अच्छा, कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अगर आप NCERT में देखें तो इट हैज बीन डिनोटेड बाय ML, इस तरह से L विल बी इन सबस्क्रिप्ट, और स्पिन क्वांटम नंबर को MS से डिनोट किया है, ठीक है. बट अगर आप इसको S और L भी लिखेंगे तब भी आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा, ना कोई टीचर काट, किसी टीचर को काटना तो नहीं चाहिए, ठीक है. यस सर. चलिए, ऑल ऑफ यू रोट दिस डाउन? यस सर. यस सर.
अब हम लोग चलते हैं अगली चीज की तरफ. When I say quantum number, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बताएं प्लीज. अमीरा, आकिब एंड रशिता. नहीं, क्या आना चाहिए आपके दिमाग में? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक सेकेंड, अफाफ कहाँ है? अफाफ नहीं आई है. जस्ट अ सेकेंड. एक आप लोगों को चीज हम बता रहे हैं जो ना आप लोग हमेशा अवॉइड कीजिएगा जरा. जब भी आप, एक तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग एब्सेंट करने जा रहे हैं ना कोई भी लेक्चर को, एक दफा टीचर को जरूर बता दिया कीजिए, ठीक है, सर हम इस क्लास में नहीं आ पाएंगे. उससे ये होगा ना कि मान लीजिए अगर टीचर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कराना चाह रहा है तो आपको बोलेगा नहीं, ट्राई करो कि पहुंच जाओ क्लास में, है ना, या फिर इतना कम से कम याद दिला देगा कि प्लीज इस चैप्टर, इस लेक्चर को देख लेना अगले क्लास से पहले. नाउ दिस इज द फर्स्ट लेक्चर. और दूसरी चीज, किसी भी सब्जेक्ट में चैप्टर का फर्स्ट क्लास मिस ना किया करो, बिकॉज उसमें बहुत सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ना, और हम लोग बहुत सारी चीजों के साथ हम लोग एक पैक्ट बना रहे हैं कि हम जब एन बोलेंगे तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आना चाहिए, हम जब पी क्यू एन बोलेंगे तो आज की क्लास में तो हमने पी क्यू एन बता दिया आप लोग को, अब हम पी क्यू एन बहुत बार यूज करेंगे तो आपके दिमाग में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता रहेगा, अगले क्लास में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, PQN बोलेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है? Yes sir. अच्छा, she is facing some technical difficulty. चलिए कोई बात नहीं. Okay, so when I say quantum numbers, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बताएं? When I say quantum numbers, आपके दिमाग में आना चाहिए? Address of electron. Address of electron. Now, if I, अच्छा मान लीजिए कोई आपके पास था बहुत ऐसा इंडिया के किसी गांव से आया आदमी, ठीक है ना, और आपने उसको एड्रेस बताया किसका, सऊदी अरेबिया का. सो ऑब्वियसली उसको एड्रेस थोड़ा समझाना पड़ेगा कि ये जो है ना ये सिटी है, ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, अगर डिस्ट्रिक्ट होती है तो ये ब्लॉक नंबर, ये मेरा बिल्ड यहाँ पे ये लिखा हुआ है, राइट? ये सर टेल मी गाइस, ठीक है? यस सर. दैट मींस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एड्रेस ऑफ एनीथिंग, यू विल फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड इन विच दे लिव इन. वर्ल्ड का मतलब उनके एनवायरमेंट के बारे में, उनके सराउंडिंग्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा. सो इन इंडिया, इन द रूरल एरियाज ऑल्सो देर इज सर्टन डिफरेंट वे इन विच पीपल गिव द एड्रेस. दे विल टेल यू अबाउट देयर एट पीओ, दैट मींस द एड्रेस एंड द पोस्ट ऑफिस इज द सेम. दे विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द पुलिस स्टेशन, बिकॉज सम ऑफ द विलेजेस दे डोंट हैव द पुलिस स्टेशन, सम ऑफ द विलेजेस दे डोंट हैव द पोस्ट ऑफिस देयर, ठीक है? सो जो सर्टन वे होता है, आप लोग अगर गांव से नहीं तो आपको नहीं पता होगा, बट देर इज अ सर्टन वे ऑफ राइटिंग एड्रेस इन रूरल एरियाज, और जो अर्बन एरियाज है इन देयर यू हैव टू राइट द फ्लोर नंबर, है ना, देन यू हैव टू राइट द बिल्डिंग नंबर, देन यू हैव टू राइट द स्ट्रीट नेम या स्ट्रीट नंबर. सो जो चीजें है ना, एड्रेस क्या होता है, चेंज हो जाता है. उसी तरह से इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, वेन वी हैव टू लर्न अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, द इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड. इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है कैसा, ठीक है? सो उसमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं. आप ये समझ लीजिए, अगर आप किसी एटम के पास आ गए ना, ऐसे आप सोडियम के पास आ गए या फिर आप हाइड्रोजन के पास आ गए, हीलियम के पास आ गए, सो यू आर इनसाइड द एटम नाउ. और आप जैसे किसी एटम के पास आ गए हैं, दैट मींस यू आर इनसाइड सिटी, आप शहर पहुंच चुके हैं, शहर के बाद का एड्रेस आपको समझना है, ठीक है? सिटी के बाद क्या आएगा, स्ट्रीट नंबर. क्या आएगा, स्ट्रीट नंबर, उसके लिए लिखिए कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट, प्लीज राइट कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट. ऑर्बिट, और इसको एक बार नाम है शेल. नाउ दिस इज एन ओल्ड कंसेप्ट फॉर यू गाइस, बट थोड़ा सा नया इसमें ट्विस्ट होगा, ठीक है? सो प्लीज राइट द नॉन रेडिएटिंग सर्कुलर पाथ. The non-radiating circular path around nucleus in which the electron moves, in which the electron moves is called orbit. Is called orbit.
Then you will write next point. It is denoted by K L M N, etc. and so on. It is also denoted by one, two, three, four, five, and so on. First shell, second shell, third shell, and so on. Okay. Here we have a word non-radiating. इसके बारे में explanation आएगी आपके पास Bohr model में, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ non-radiating से कोई लेना देना नहीं है. ये concept of orbit and shell हमने यहाँ पर definition इस वजह से लिखा दिया, क्योंकि अगर आपको definition लिखना आ जाए what is orbit, तो आप यहीं से देख लें. ठीक है, बट हमारे क्वांटम नंबर्स में नॉन रेडिएटिंग पार्ट का कोई इस्तेमाल अभी नहीं है. ठीक है, नॉन रेडिएटिंग पार्ट का कोई इस्तेमाल नहीं है. बोर मॉडल जैसे आएगा आपको समझ में आ जाएगी कि नॉन रेडिएटिंग क्यों है. नाउ दिस ऑर्बिट और दिस शेल, आप इसका एनालॉजी रखिए किससे. यू कैन हैव एन एनालॉजी ऑफ पाथ, स्ट्रीट नंबर, है ना, या फिर आपके पास क्या होता है लेन नंबर, ठीक है, गली नंबर. ये क्या है ऑर्बिट और दी शेल. यू हैव नेक्स्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सब ऑर्बिट और सब शेल. Please write next. Concept of suborbit or subshell. Now, in this concept of suborbit or subshell, please see. ये जैसे ही आप street के अंदर आएंगे, आपको बहुत सारी buildings नजर आएंगी. सही है? Yes or no, please tell me, guys. Yes. सही है? हाँ है ना? सही है, बहुत सारे बिल्डिंग नजर आएंगे. बिल्डिंग्स के अलग अलग कलर्स होते हैं जनरली स्पीकिंग, है ना. बिल्डिंग्स के अलग अलग कलर होंगे, नहीं हो तो गेट का तो कम से कम अलग कलर होगा कुछ ना कुछ, राइट. गेट का अलग डिजाइन होगा, गेट का अलग डिजाइन होगा. उसी तरह से एज सून एज यू एंटर द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आप किसी भी ऑर्बिट में आएंगे तो आपको बहुत सारे सबशेल या सब ऑर्बिट मिलेंगे. जैसे किसी लेन स्ट्रीट में आते हैं, देन यू आर गोइंग टू सी टू मेनी बिल्डिंग्स. Similarly, if you are going to enter the orbit, you will see so many suborbit. Now, please write every suborbit. Every orbit, likhega. Every orbit, my bad, consists of smaller regions called suborbit और subshell. Majorly हम लोग subshell का word इस्तेमाल करेंगे. Okay, and जिस तरह से human world में different buildings है ना, subshell क्या building आ गया, subshell क्या building आ गया. अलग अलग building के अलग अलग color होते हैं, या फिर एटलीस्ट gate का अलग color या कुछ design होता है. Similarly, different subshell will have different shapes. Different subshell will have different शेप्स. यहाँ पे हम नाम लिखेंगे सबशेल का, यहाँ पे उसका शेप लिखेंगे, और हर एक बिल्डिंग की कैपेसिटी होती है कि कितने लोग को ठहरा सकता है. उसी तरह से हर एक सबशेल की कैपेसिटी होती है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसको रख सकता है. ठीक है, इट कैन होल्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की, वो कौन बताएगा, नंबर बताएगा. ठीक है, मैक्सिमम नंबर, हाँ शेप नहीं, नाम से बताएंगे. ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको समझ में भी आ जाएगा. ठीक है, अभी हम लोग याद कर लेंगे इसको. लेके नेम है आपके पास एस, शेप होता है इसका स्फेरिकल, व्हिच इज कंप्लीटली सर्कुलर इस तरह से. ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप पी में, पी शेप उसका, इसका शेप होता है इसका डम्बेल, डम्बेल I don't know whether it is single B or double B, but still dumbbell होता है जो भी है. तो जिस तरह से इसका shape हो जाएगा, sorry. ठीक है, उसके बाद आता है D, which is double dumbbell. Then you have F, which is complicated. Complicated का मतलब आपको पढ़ना नहीं है.
और उसी तरह एफ के बाद आ जाता है जी, इसके लिए आपको नहीं पढ़ना है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। अच्छा यहां पे हम आपको ना बस एक चीज बताना चाह रहे हैं, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, थोड़ा सुनिए अब। यू नो व्हाट इज लोब, एल ओ बी ई, लोब पता है किसी को क्या होता है लोब? नो सर। अमीरा, रिशिता? यस जी, अमीरा बताएं व्हाट इज लोब। इट्स लाइक एक पार्ट जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, जैसे ईयर लोब्स होते हैं ना, हाँ ईयर लोब्स जैसे होते हैं, राइट रिशिता, आकेब? यस सर, है ना। ये देखिए ये पार्ट ईयर लोब जैसा दिख रहा है, आयना पता है दीज पार्ट्स, राइट। उसी तरह से इनको क्या बोलते हैं, इनको लोब्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। इफ आई लुक एट द स्फेरिकल वन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोब्स कितने हैं, यहाँ पे लोब है आपके पास वन, डबल में कितना है टू, लोब इज इक्वल टू टू, डबल डबल में लोब कितना है फोर फोर। एफ सबशेल में जो है, एस में एक था, पी में दो था, डी में चार है, एफ में कितना हो जाएगा लोब? 14, 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, करेक्ट। 14 क्यों बोल रहे हैं आप? जी में कितना हो जाएगा? 16. जी 16 हो जाएंगे ना, ठीक है, डबल हो रहा है नंबर ऑफ लोब्स। तो आपको थोड़ा अंदाजा लग गया कि F का जो शेप होगा उसमें 8 लोब्स होंगे, है ना। तो अब इसलिए उनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया। When we talk about the maximum number of electrons, then S can hold 2 electrons, P can hold 6 electrons, D can hold 10 electrons. अब बताइए S में 2 है, P में 6 है, D में 10 है, F में कितना होगा? चैट में बताएं प्लीज, चैट में मैसेज में ऑन दी चैट, D में, F में कितना होगा, पैटर्न देख के बताएं प्लीज। यस अमीरा करेक्ट, पैटर्न देखिए बताएं, 2, 6, 10। आकिब यू हैव टू मैसेज सालिम नॉट टू लर्निंग यू, आई थिंक यू आर मैसेजिंग लर्निंग यू। ओके सर सॉरी, लर्निंग यू कर रहे थे ना? आई वाज गोइंग टू सेंड इन लर्निंग यू। देखिए हम मतलब पहले ही बता दिए, देखे इतना तेज है मेरा दिमाग है कि नहीं, हाँ आकिब पहले ही बता दिया हमने, चलिए सालिम में भेजिए, कितना आंसर है आपका? अभी भी नहीं आया आपका आंसर, बड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा फिर नहीं, नहीं गलती से फिर भी क्लिक कर दिया था, गलती से फिर भी, फिर भी आपका आंसर फिर भी गलत हो गया। अच्छा बाकी रिशिता और अमीरा बताएं जी में कितना होगा आप लोग, तब तक आके आप फिर से भेजिए आंसर, गलत है आपका। ओके सर, यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का है, 4 का है, या दैट मींस 2 + 4, 6 + 4, 10 + 4, दैट विल बी 14 इलेक्ट्रॉन। और जी में उसी तरह से कितना हो जाएगा, प्लस 4 कर देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी छापिए, तभी हम लोग कहाँ पे बताइए जरा, कहाँ पे हम लोग शहर में पहुंच गए, शहर के बाद कहाँ गए हम लोग, शहर के बाद कहाँ गए, स्ट्रीट में, अरे बिल्डिंग सीधा बिल्डिंग चला गया तुम है, अरे रोड पे रहेगा ना पहले आके, हाँ मेरे भाई यस सर, है ना, रोड पे रहेंगे उसके बाद बिल्डिंग पे आएंगे, बिल्डिंग में पहुंच गए हम लोग, अब फिर बिल्डिंग के अंदर जाएं, यस सर, बिल्डिंग के अंदर जाएंगे ठीक, तो आपको अलग अलग अपार्टमेंट्स मिलेंगे, राइट राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, अब एक बिल्डिंग के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे अलग अलग अपार्टमेंट्स होंगे, उसी तरह लिखिएगा, एवरी सबशेल, सबशेल क्या है बिल्डिंग, एवरी सबशेल इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ, वेरियस स्मॉलर रीजन्स,
कॉर्ड और वाइटल, कॉर्ड और वाइटल। अब ये डेफिनेशन है इन द सेंस ऑफ सबशेल के रिलेशन में। अब एक डेफिनेशन जो हम लिखाने वाले हैं जिसको हमने बहुत स्टार मार्क कर दिया, अगर आपके पास आए डिफाइन और वाइटल देन यू आर गोइंग टू राइट दिस डेफिनेशन, द रीजन इन विच, रीजन ऐसे लिख लीजिए, लिख लीजिए द रीजन और स्पेस कर लीजिए जरा, और स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is maximum. ठीक है, क्योंकि अपार्टमेंट में किसी आदमी के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है कि नहीं? यस सर। आप ऐसे तो स्ट्रीट में मिल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या होती है मैक्सिमम टाइम कि लोग कहां मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट आता है आपका, तो कहां तक आता है? अपार्टमेंट तक आता है, सही ना? यस सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लेंगे। देखिए जो आपके पास ऑर्बिट है, जो आपके पास ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट क्या है आपका बताइए? दिस इज स्ट्रीट। ऑर्बिट के बाद क्या आता है? सबशेल। हर ऑर्बिट में होंगे कुछ सबशेल, हर सबशेल में कुछ होगा ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट क्या हो गया था हमारा बताइए जरा? ऑर्बिट था स्ट्रीट, राइट? यस सर। सबशेल था हमारे पास अपार्टमेंट, नहीं सबशेल क्या था हमारे पास? बिल्डिंग। बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर बताइए, ऑर्बिटल बताएगा हमको अपार्टमेंट नंबर, सही है? हाँ या ना बताएं? यस सर। नो प्रॉब्लम ना, आगे बढ़े हम? ठीक है चलिए। राइट, नंबर वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिर से इसको लिख देते हैं, डिनोटेड बाय एन, वी कैन आल्सो कॉल दिस पी क्यू एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लिखेंगे, इट गिव्स द आइडिया अबाउट ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इट गिव्स द आइडिया about orbit orbit in which the electron is present. अब जो ऑर्बिट होगा शेल होगा, दैट विल आल्सो गिव यू अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, है ना? कि एक ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट नजदीक होगा, सेकंड ऑर्बिट दूर, थर्ड ऑर्बिट और दूर। प्लीज राइट, इट गिव्स द आइडिया अबाउट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। पॉइंट लिखें, इट गिव्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट। आखिर लिख लें, ओके सर, इट गिव्स द आइडिया ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ये सारी चीजें किस लिए लिखने के लिए, है ना? अभी इनका क्वांटम नंबर से कोई रिश्ता नाता लेना देना नहीं, जो रिश्ता नाता लेना देना है क्वांटम नंबर से वो अगली चीज जो हम लिखने वाले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज राइट,
values of PQN. Values of principal quantum number क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है बताएं, इसमें होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. That means it will start with 1. एक चीज लिख लीजिएगा, PQN principal quantum number can never be equal to, sorry, my bad, can be never be less than 1. ठीक है, तो ये जो रेड में लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा सबको? हाँ जल्दी बताएं. यस सर. यस सर. नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. इट इज डिनोटेड बाय विच लेटर? Denoted by L. Yes, small l, and we can call this AQN. ठीक है, so it gives the idea of subshell in a given shell. In a given shell. Next point likhega. For a given value of principal quantum number that is n, agar n ki value aapko pata hai, then the value of azimuthal quantum number lies from 0, यानी कि एक वैल्यू हो जाएगी 0, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन. तो एल के लिए लिख लीजिए यहां पे प्लीज, 0 मतलब कि 0, टू एन माइनस वन, या दैट मीन्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और इन ऑर्डर टू नो द वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या पता होना चाहिए, यू हैव टू नो व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बिकॉज जब तक आपको स्ट्रीट नंबर नहीं पता, बिल्डिंग नंबर पता करके कोई फायदा है बताइए? अगर स्ट्रीट नंबर नहीं पता तो बिल्डिंग को नहीं पता हो सकता है, तो आपको स्ट्रीट नंबर पता होना चाहिए, दैट मींस द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए. ठीक है, अच्छा अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपको बिल्डिंग नंबर आ रहा है वो नंबर आ रहा है. ठीक है, क्या आएगा? नंबर आएगा. और जो हमने पढ़ा है बिल्डिंग के बारे में वो क्या पढ़े थे? नाम पढ़े थे, एस पी डी एफ जी एंड सो ऑन. That means जो भी नंबर आएगा उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा नाम के साथ, तो वो प्लीज लिख लीजिए. That is also very important. The name and azimuthal quantum number. क्या वैल्यू है L की? अगर आपके पास जीरो आ गया, that means it is S subshell. अगर आपके पास वन आ गया तो it is going to be P subshell. If you get two, then it is D subshell. And if it is 3, then you will write F subshell. उसी के लिए G के वाले बताइए, G के लिए कौन सा हो जाएगा azimuthal quantum number? G के लिए क्या हो जाएगा बताएं, बोले 4. ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे याद रखना है आपने. ठीक है, you have to also remember these things. आप ये तो बताइए. आप ये आपने फिनिश सर? यस सर. ठीक है, अच्छा
Now, as soon as you get the value of azimuthal quantum number, which is 0 million, then you know that it is S sub shell. Or S sub shell ka shape kya hota hai? What is the shape of S sub shell? 0, sphere. Spherical. Hai na, kya hota hai? Spherical hota hai. Agar aapko 1 mil gaya, that means you know P sub shell, aur P ka kya hota hai? Dumbbell. Isme hum kya likh denge? That means, please write, AQN also tells about the shape of subshell. Directly na sahi, indirectly bata deta hai. Sahi hai ya na batai? Correct hai guys? Yes. Chale. Next likhiyega magnetic quantum number. Third kya hai? 1. Achha, isko 2 number dena tha hame. This will be 2. And third is magnetic quantum number. It is denoted by M, and I will call this MQN sometimes. It gives the idea of orbitals in a given subshell. It gives the idea of actually number of orbitals in a given subshell. Right, next. For a given value of azimuthal quantum number, that is L, the value of magnetic quantum number, that is M, lie from minus L to plus L. ठीक है, तो हम M की values क्या ले सकते हैं? Values M क्या हो जाएगा? M will be equal to minus L to plus L. याद रहेगा सबको? हाँ, ना जल्दी बताएं. Yes sir. Yes sir. है ना, अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे देख लीजिए. सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर S sub shell किसके लिए देखेंगे. Just a second. सबसे पहले हम लोग देखेंगे S sub shell के लिए. Now in S sub shell, आप ये बताइए S के लिए value of L क्या होता है? L is equal to how much? Zero. ठीक है. और M क्या हो जाएगा? M will be equal to minus L to. यहाँ पे कितना जाएगा? Zero. Zero. है ना? कोई दिक्कत? किसी को परेशानी? बताएं. No sir. नहीं. अब M ये ध्यान दीजिए. M, whenever you get the value of N, please remember, listen to this very carefully. Leave your pen aside. और ध्यान से सुनिए, whenever you get a value of M, जब भी आपको value मिले M की, then you are not going to ask what is the value. What से हमें मतलब ही नहीं है. What से हमें, बोलिए आकिब, अमीरा, रिशिता, मतलब है या मतलब नहीं है? नहीं. Does it matter what is the, no, we don't, it doesn't matter what is the value of M. What we are, my question is going to be, our question is going to be, how many values of M, क्या हम बोलेंगे? What am I going to ask? How many values of M I am getting? So for the S subshell, how many values of M did I get? Zero. अरे यही देखिए, फर्क हो गया ना? देखिए. One. What name? How many values? Two values. So one value. अच्छा, एक जो gloves है, अमीरा आप हैं कहाँ से? वैसे बताएं जरा, इंडिया में?
मुंबई. अच्छा बेसिकली और मुंबई से पहले कहीं? अरे नहीं 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 मैं नहीं पूछा ना, मुंबई कहीं आप लोग, दादा परदादा सब लोग मुंबई नहीं रहते थे? नहीं नहीं हाँ वही हम पूछ रहे हो. फिर कहाँ रहते थे? कर्नाटका. अच्छा कर्नाटका. अच्छा हिंदी आपको यानी कि मतलब हिंदी का उतना यूज नहीं है, बट अगर आप नॉर्थ बेल्ट में आएंगे ना तो शायद आपने इस तरह से किसी को सुना होगा, अरे एक ठो बिस्कुट दे दो. आपने सुना ये ठो या एगो बिस्कुट दे दो? सुना है नहीं सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है, नहीं सुना है आप लोगों ने, दिक्कत हो रही है. चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसी पे अंग्रेजी पे ही हम लोग थोड़ा सा आखिरी करेंगे. हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एम अमीरा, कितना वैल्यू मिला आपको एम का जरा बताइए. एक वैल्यू पक्का है ना? टू तो नहीं, एक ही वैल्यू मिला ना? आप टू बोल रही थी स्टार्टिंग में शायद. अब समझ में आ गया आपको अमीरा? ठीक है सो दिस इज गोइंग टू टेल मी हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ, जितना वैल्यू आपको मिला उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे. ठीक है एस में हम लोग क्या बता सकते हैं, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? वन. वेरी गुड, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स. रिशिता एंड अमीरा समझ में आया? ठीक है चलिए उसी तरह से हम लोग आते हैं किसके पास अगला होगा, पी सेप्शन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर पी? एल की वैल्यू क्या होती है? वन. सो एम विल बी इक्वल टू टेन. नहीं एम थ्री नहीं हो, नहीं एम थ्री नहीं होगा ना, क्या होगा? एम माइनस वन जीरो एंड प्लस वन. आप m इज इक्वल टू थ्री नहीं लिख सकते ना, m तो क्या होगा माइनस एल टू प्लस एल. अब यहाँ पे आपको तीन वैल्यूज मिले हैं अमीरा एंड रिश्ता, यू आर विद मी गाइस? ये सुनो. यस सर. यस सर. है ना, सो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एम हियर? थ्री. हाउ मेनी अमीरा एंड रिश्ता, व्हाट हैपेंड? थ्री सर. ध्यान दीजिए आके हम आपको जो बोल रहे थे ना, आई वाज आस्किंग एम इज इक्वल टू, हम क्या कह रहे थे? एम इज इक्वल, m is equal to, तो आप बोलेंगे minus one, zero and plus one. When I will ask how many values of m are you getting, तब आप बोलेंगे three values. बात समझ में आ रही? Yes sir. ठीक है. Yes. How many? अभी क्या जा रहा है? How many orbitals? तो जाएंगे आंसर जाएगा three. और एक ध्यान दीजिए, जब एक orbital होता है तो उसको एक box से denote करते हैं, जब आपके पास तीन orbital होंगे तो उसको तीन box से denote कर देंगे. ठीक है? Yes sir. अगला आपके पास क्या आएगा, कौन सा बताएं? विच सेप्शन? डी सेप्शन. वेरी गुड. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल? टू. टू. व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एम? एम विल बी इक्वल टू माइनस वन जीरो, टू माइनस वन जीरो, प्लस वन एंड प्लस टू. अमीरा एंड रिशिता आप लोग को आ रहा है ना? यस सर. आंसर जाएगा हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, इसमें आ जाएंगे फाइव ऑर्बिटल्स, राइट? फाइव ऑर्बिटल्स हो गए. सिमिलरली हमारे पास चैट में बताएं एफ में कितना हो जाएगा, इन द चैट प्लीज.
जूम चैट। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप लोगों ने सही किया, आपके वेरी गुड, करेक्ट। सो एल विल बी इक्वल टू थ्री एंड देन आई कैन राइट एम विल बी इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स this will be equal to 7. फोर वन टू थ्री, ठीक है, ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहां से देखिए कुछ हम लोग रूल्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लीज एक मिनट देखिएगा, आप ये देखिए द वैल्यू ऑफ m जो है, द वैल्यू ऑफ m इट इज ऑलवेज इक्वल टू और इट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एल, दिख रहा है आपको? हाँ या ना बताएं। यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज एम क्यू एन, इट इज गोइंग टू बी शुड ऑलवेज बी less than or equal to L, that is the azimuthal quantum number. ठीक है, तो हमारे पास एक रूल आ गया, M is always greater than or equal to L. चलिए एक अब लास्ट चीज हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। सही है फेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट दी शेल, उसके बाद उसमें कौन कौन से सब शेल आएंगे। अच्छा एक सेकंड, माय बैड, स्पिन क्वांटम नंबर लिखना है, स्पिन क्वांटम नंबर लिख गया, आप भी लिख लीजिए जरा स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ ना, फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये बस बता रहा है आपको कि आप कौन से रूम में, मतलब ना प्लस हाफ और दो माइनस हाफ, दो ही चीज होती है बस। इट एक्चुअली टेल्स अबाउट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, है ना? अगर जो इलेक्ट्रॉन अपने आप रोटेट कर रहा होगा दैट विल बी रोटेटिंग इन व्हाट टाइप ऑफ स्पिन, बट दिस इज अ क्लासिकल, दिस इज अ क्लासिकल एक्सप्लेनेशन, क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, आप इतना ही जानिए काफी है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स own axis is called spin of electron. There are two allowed values for spin of electron.
है ना, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो उसी के लिए प्लस हाफ और s इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। प्लस हाफ को जनरली हम लोग लिखते हैं क्लॉकवाइज के लिए और माइनस हाफ को एंटी क्लॉकवाइज के लिए। प्लस हाफ इज ऑल्सो नोन एज अप स्पिन, इसको डिनोट करते हैं, सॉरी अप स्पिन दे दिया हमने, अप स्पिन यू कैन डिनोट इट बाई अप एरो और हाफ अप एरो। देखो दैट डाउन स्पिन, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं और यू कैन डिनोट दिस। इतना लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब लिखते हैं शेल then we will write about subshell and then we will write about the orbitals. ना शेल के बारे में कौन बताएगा, शेल के बारे में बताइए, विच क्वांटम नंबर इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, और सबशेल के लिए l एन ऑर्बिटल के लिए, है ना, ऑर्बिटल के लिए m, ठीक है। सबशेल में इतना जगह नहीं चाहिए होगा, तो इसको नजदीक कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स के बाद थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जगह छोड़ दीजिएगा, पहले देख लीजिए उसके बाद लिखिएगा, अभी मत लिखिए, ठीक है ना, कुछ मत लिखिए अभी। शेल में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द फर्स्ट शेल, है ना, फर्स्ट शेल, ठीक है। अब द सबशेल विल बी व्हाट, क्या होता है बताइए, एस क्या होता है, एल इज इक्वल टू, नहीं एल इज इक्वल टू देख के बताएं, जीरो टू एन माइनस वन ना, एल इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन, जीरो टू एन माइनस वन कितना जाएगा, जीरो टू वन माइनस वन, जीरो टू वन माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो, सही है, जीरो ना, जीरो, जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, एस, सिंस इट इज द एस सबशेल ऑफ द फर्स्ट शेल आई विल कॉल इट वन एस। कोई दिक्कत परेशानी उलझन किसी को तो बताएं, प्रॉब्लम राइट, ऑर्बिटल से इट्स गोइंग टू बी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जीरो, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर, ध्यान से गया। In the first shell, we have only one subshell, that is S, and we have only one orbital inside the subshell S. One S में कितने orbital? एक ही orbital, ठीक है? We have only one orbital. Now, एक orbital में आपके पास जो electron होगा, it can be either clockwise or anti-clockwise, है ना? तो कितने electron आ सकते हैं वहाँ पे? दो electron. एक electron होगा clockwise में और एक होगा anti-clockwise में. इस वजह से, in the first shell, I can have only how many electron? इलेक्ट्रॉन, सही है, यस सर, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा था कि टू होता है, है ना। सेकंड में देखिए, आप सेकंड सबशेल में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सबशेल, जीरो टू, जीरो टू, जीरो टू एन माइनस वन, बोलिए ना प्लीज, जीरो टू, जीरो टू एन माइनस वन, तो जीरो टू एन क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन हियर, तो क्या जाएगा, जीरो टू टू माइनस वन, जीरो टू टू माइनस वन कितना आ जाएगा, जीरो टू वन, एक होगा वैल्यू जीरो और दूसरा वैल्यू कौन सा होगा, वन, है ना। जीरो का मतलब क्या हो गया, एस सबशेल, बट बिकॉज इट इज द एस सबशेल ऑफ द सेकेंड शेल आई विल राइट इट एज टू एस, और वन किसके लिए होता है, वन इज फॉर विच सबशेल, एसपीडीएफ में P. 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 तो कौन सा P हो जाएगा, ये 1P, 2P, 3P क्या हो जाएगा, 1P, हाँ 2P, क्योंकि देखिए शेल 2P, 2P, yes, 2P, है ना, ठीक है। अच्छा इसमें 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 1, 0 और प्लस 1, सही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, देखिए हियर इट हैज वन ऑर्बिटल, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तीन ऑर्बिटल, यानी कि हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो सिक्स इन द P सबशेल, और छह और दो कितने हो गए, एट इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ठीक है। तीसरे में बताइए क्या क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में बताएं, जीरो होगा,
0, 1, 2 है ना. अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, दिस विल बी 3s, ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 3d. सो हियर यू विल हैव, ये दोनों तो उसी तरह से रहेंगे राइट. अब बस आपके पास क्या आ जाएगा, है ना, माइनस टू एंड प्लस टू एड हो जाएगा, माइनस टू और यहाँ पे प्लस टू. हियर वी हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे वी हैव 5 मोर ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बताइए जरा. 6, 10 और 10 प्लस, ये ऊपर में भी तो है. ठीक है आके फिर से समझाते हैं, ऊपर में भी तो है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ना. एक सेकंड आप लोग, एक सेकंड थर्ड सेल में हम लोग, एक सेकंड रचिता एंड अमीरा थोड़ा सा रुक जाए. थर्ड सेल में हम लोग हाँ ना, अमीरा एंड रचिता वी आर इन द थर्ड सेल. ठीक है, इन द थर्ड सेल वी हैव द एस सब सेल, करेक्ट है रचिता एंड अमीरा, एस सब सेल. एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन. फिर उसके बाद 3p भी है ना, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन. और उसके बाद 3d है, तो 3d में कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन. टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक सेकंड आके बाप बताएं क्या नहीं समझ पा रहे थे, एक सेकंड जरा बताएं. स्टार्टिंग से सर, ये वाला सबशेल वाला, सबशेल वाला नहीं आ रहा होगा ना, सबशेल के बाद तो आ रहा होगा. ठीक है, सबशेल का आ रहा है, सबशेल नहीं आ रहा. हाँ, 0 to n-1 सही है, यस सर, है ना. तो 0 n की वैल्यू क्या है बताइए यहाँ पे, इन द फर्स्ट शेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 1. जीरो से 1-1 करेंगे कितना आ जाएगा, 0. जीरो आ जाएगा. ठीक है, तो 0 लिख दिया हमने, सही, कोई दिक्कत, नो सर. अगले में आते हैं, फिर से 0 to n-1, अब n की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, तो क्या लिख देंगे, 0 to 2-1 कितना हो जाएगा, 1. तो 0 भी होगा और 1 भी होगा, सही है, यस सर, है ना. अब थर्ड में आते हैं, 0 to n-1, है ना, अभी भी तो वही होगा ना फॉर्मूला, l के लिए l निकालना है तो क्या होगा, 0 to n-1. अब बताइए 0 to n-1 में क्या हो जाएगा, 0 to 3-1, तो 0 भी लिखना होगा, 0 से 2 तक कौन बनाएगा, 0, 1, 2. ठीक है, यस सर. अब फोर्थ में फिर से बताइए आप, 0 to n-1, जीरो टू थ्री. हाँ, तो क्या क्या आ जाएगा, सबशेल हमारे पास 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा. तो 0 वाला जो है, दिस इज द एस सबशेल राइट, यस सर. एस को 0 से डिनोट करते हैं, और ये एस सबशेल कौन से शेल का है, सबशेल 0 का है, नहीं कौन से शेल का है, ये एस सबशेल जो है ना, ये तो 0 का मतलब, एस सबशेल 0 का मतलब है ना, सही है, यस सर, एस सबशेल. नहीं पक्का ना, 0 का मतलब एस सबशेल है, एस सबशेल है, तो कौन से शेल का है ये एस सबशेल, कौन से शेल में भी हम लोग देख, कौन से शेल में भी हम लोग बात करें, कौन से शेल का देख रहे हैं हम, अभी एस सबशेल देख रहे हैं, नहीं शेल पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहे हैं हम, शेल तो 0 नहीं, शेल कहाँ पे लिखा हुआ, देखिए फर्स्ट है ना, फर्स्ट कॉलम में शेल, यस सर, देखा, ये वही हमने कह रहे हैं, देखिए आप आ गए फोर्थ स्ट्रीट में, फोर्थ स्ट्रीट में आपको क्या क्या मिलेगा, 4s मिलेगा, फोर्थ स्ट्रीट का s सबशेल मिलेगा, फोर्थ स्ट्रीट का p सबशेल मिलेगा, 4d मिलेगा और 4f मिलेगा, असल में अभी, यस सर. यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप 14 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, तो 18 प्लस 14 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 18 प्लस 14 ना, f आपके पास एक्स्ट्रा आ गया राइट, f में होते हैं 14,
एफ में होते हैं 14, एफ में होते हैं 14 ऑर्बिटल्स, 7 होते हैं ना, सॉरी 7 होते हैं, राइट। एस पी डी एफ में 1, 3, 5, 7 या 7 होते हैं, नहीं अरे नहीं 7 नहीं होते, 14 होते हैं, ऑर्बिट 14 होते हैं, 14 ही होते हैं, सॉरी 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, तो 14 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन। रिशिता ना मेरा आ गया आपको? यस सर, यस। ठीक है, अब व्हेन यू आर गिवन 1s 2s 2p 3s 3p, तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि कौन सा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यस और नो? यस सर। दूसरी चीज हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए जरा, एक सेकंड, इसमें ना थोड़ा सा और हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, आप उसके बाद लिखिएगा, ठीक है? अगर आपने लिख दिया तो माजरत चाहता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे कितने हो गए, अब यहाँ पे लिख देंगे हम इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे हो गए कितने, 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेकंड शेल में कितना हो गया, 3+1, 4, है ना, थर्ड में हो गया 9, और उसी तरह से फोर्थ बताइए कितना हो जाएगा, फोर्थ शेल में 1, 4, 9, देखिए 16। आप लोगों को दिखा अमीरा एंड, यस यस सर, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था यहाँ पे, 2, यहाँ पे कितना था, 4 का डबल 8, 9 का डबल 18, 16 का डबल 32। आप लोगों ने हाँ आना जल्दी बताया, यस सर, ठीक है, एब्सेंट गुजरा। अच्छा देखिए, अब जब जैसे देखिए आप यहाँ पे जीरो में थे तो एस सबशेल था, सेकंड शेल में आए तो आपको क्या मिल गया, पी सबशेल मिल गया, थर्ड में आए तो आपको डी सबशेल भी मिल गया, सही है ना, वैसे ही आप जब फोर्थ में आए, वैसे ही आप जब फोर्थ में आए तो आपको कौन मिल गया, एफ सबशेल मिल गया। अब जब हम फिफ्थ ऑर्बिट में जाएंगे तो हमको कौन सा शेल मिल जाएगा, सबशेल मिल जाएगा बताइए, इन फिफ्थ ऑर्बिट जी, फिफ्थ ऑर्बिट वी विल गेट द जी सबशेल। सबको बात समझ में आ गई, हाँ आना जल्दी बताएं, यस सर, यस सर, चलिए ठीक है। अब हम जरा पूछते हैं एक सवाल, आइडेंटिफाई PQN and AQN for following. ठीक है, अब ये बताइए कोई एक सवाल करके बताते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं, ये समझ में आ गया आप लोग, सॉरी सर, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन किसी एक सवाल से और डू यू वांट टू ट्राई, एक्सप्लेन करते हैं, एक कर देते हैं, बताइए कौन सा कर दे, अमीरा 7 वाला, 7s, यस सर, देखिए सर, थर्ड वाला इज इट पॉसिबल, नहीं वो बात अभी नहीं हो रही है सर,
वो बात बाद में आएगी, ठीक है, वो बात बाद में आएगी। अभी क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या आइडेंटिफाई करना है बताइए, है ना, जीरोथ क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेवन, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। दिस इज गोइंग टू गिव यू दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल क्या बताएगा, अजीमुथ। तो एस के लिए क्या वैल्यू होती है बताइए जरा, जीरो। बस समझ में आ गया सबको, है ना, ठीक है सर। ठीक है, एक मिनट और रुक जाते हैं, बाकी लोग का हो गया? डूइंग सर, विनती कीजिए। n is equal to, n is equal to 1, l is equal to 0, n is equal to 3, l is equal to 2, n is equal to 2, l is equal to 2, 2 only na, l is equal to 2, n is equal to 3, l is equal to 3, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आकिब एंड अमीरा एंड रिशिता प्लीज ध्यान से देखिएगा। लुक एट द वैल्यूज ऑफ एल दैट यू आर गेटिंग फॉर ईच शेल। जब वन था तो वैल्यू कहां पे रुक गया, जीरो पे रुक गया। जब आपके पास शेल नंबर टू था तो वैल्यू कहां रुक गई, वन पे रुक गई। जब थ्री था तो वैल्यू कहां पे रुक गई, Tell me guys, 2 पे रुक गई। And when it was, when the value of shell, when the value of n was 4, then value कहाँ पे रुक गई? L की? 3 पे. 3 पे. That means, I can say, n is always greater than L. है ना? एक हम लोग नया रूल लिखते हैं. N will always be greater than L. सही है? L से क्या होगा? ये हमेशा बड़ा होगा. बराबर भी नहीं हो सकता. बराबर हो सकता है? नहीं, L जो है वो बराबर भी नहीं हो सकता है, L हमेशा क्या रहेगा, स्मॉलर देन n, ठीक है। प्लीज लिखिए, अजीमुथल क्वांटम नंबर विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो उस लिहाज से हम लोग अब आंसर करेंगे, जरा ये बताइए क्या 1 इज पॉसिबल है, इज n ग्रेटर देन, नो, कौन है, यस इट इज पॉसिबल। सेकंड वाला बताएं, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, क्या n बड़ा है l से, यस पॉसिबल। आकिब आपको समझ में आ रहा है, आकिब आप शांत हो जाते हैं, आकिब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नो सर, लाइक लिटिल लिटिल आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक ठीक बस आप ये बताइए, 3D के लिए आपने n और l लिख लिया, yes, है ना। अब ये बताइए क्या n l से बड़ा है, इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर देन अजीमुथल क्वांटम नंबर, यस सर, तो ये पॉसिबल। थर्ड केस में आप बताइए क्या अजीमुथल क्वांटम नंबर छोटा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, नो सर, तो ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ वाला बताइए, नो सर। फिफ्थ वाला, यस, अच्छा, अमीरा एंड रिशिता आप लोगों को तो आ गया ना, आया ना, यस सर, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को घबराना नहीं है, ये पहले जब भी आपके पास 1s 3d इस तरह से आ जाए, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द एंड आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर,
उसके बाद ही आप लोग वहां पे डिसाइड कर सकते हैं वेदर दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. इज दिस क्लियर? यस और नो? प्लीज टेल मी. सही है? यस सर. तो अब हम लोग कुछ और चीजें लिख लेते हैं फ्रॉम वॉट एवर वी हैव उस टेबल से. कुछ और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? स्पेशल यहाँ पे देखिए, यू गाइस कैन सी अ रिलेशनशिप हियर ना. वन का वन से, टू का फोर से, थ्री का नाइन से, है ना, फोर का सिक्सटीन से. ठीक है, सो व्हाट आई कैन राइट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स फॉर गिवन शेल इज इक्वल टू एन स्क्वायर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर गिवन शेल विल बी इक्वल टू टू एन स्क्वायर. ठीक है, अगला लिखिएगा नंबर ऑफ, ये हमने गलत लिख दिया, इसको ऑर्बिटल्स कर लीजिए प्लीज. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, माय बैड, लिखिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर गिवन सबशेल. ठीक है, यहां पे देखिए, जब आपके पास जीरो है तो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है. जब आपके पास वन है तो कितने सबशेल्स, कितने ऑर्बिटल्स आते हैं? पी के लिए तीन आते हैं, है ना. उसी तरह से देखिएगा तो डी के लिए कितना आता है? अगर आपके पास वैल्यू टू है तो पांच आया था, जब वैल्यू थ्री है तो कितना आता है? सेवन आता है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू टाइम्स द वैल्यू ऑफ एल प्लस, सॉरी यहाँ पे वैल्यू, एक सेकंड माय बैड, नंबर ऑफ वैल्यूज दैट आई गेट फॉर एस सबशेल कितना ऑर्बिटल आता है? वन ऑर्बिटल आता है, राइट. एल प्लस वन, टू इंटू एल प्लस वन, टू इंटू एल प्लस वन, टू इंटू एल प्लस वन. क्या दिख रहा है आप लोग को? यस सर. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, चलिए ये तीनों चीजें लिख लीजिए. दैट्स इट फॉर टुडे. आपका टेस्ट एक्टिवेटेड होगा, सो प्लीज गो टू दी एंड देन डू इट. देखिए आप लोगों ने, ऑल ऑफ यू डन? यस सर. रिशिता एंड अमीरा? यस यस सर.